हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यासर अली क्लासेस। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हम लोगों ने उसकी बहुत पर्टिकुलर अलग अलग टाइप की फॉर्म डिस्कस करी हुई है। कल मैंने आपको स्टार्टिंग पैरामेट्रिक के क्वेश्चन कराए थे, और यहाँ पर मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम यही इम्प्लिसिट फंक्शन को पहले तो आगे कैरी ऑन करते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये याद रखेंगे कि बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, और एक्स वाई किसी पर्टिकुलर रिलेशन से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक बार मैं देख लेता हूं कि कल मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया था। एक्स क्यूब प्लस वाई, हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, इसका हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डेट इज फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx, हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। और बेटा जो इक्वेशन दे रखी है हमें वो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये जो हमारे सामने एक इक्वेशन दिख रही है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फॉर्म की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x और y अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जहां प्लस भी है और माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहां पर मुझे जो याद रखना है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वो ये कि डिफरेंशिएट तो बेटा मुझे करना है और x के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन वैल्यू मुझे चाहिए dy ओवर dx की। तो बेटा सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ठीक है, और बेटा 3xy का जब करोगे तो माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, और आपको डिफरेंशिएशन करना होगा सिर्फ xy का। ठीक है, तो वैसे तो मैंने xy का डिफरेंशिएशन आपको याद ही करा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। यहां हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और बेटा x का डिफरेंशिएशन x बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा। बीच में हमेशा प्लस साइन आएगा, वाई जो है हमारा वो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, एक्स का करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा x, और ये हो जाएगा हमारा dy ओवर dx। ठीक है, प्लस y, और बेटा x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो बेटा ये जो आंसर आया हमारा वो xy के डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, xy का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये आ जाएगा x dy ओवर dx प्लस y। ठीक है, प्लस अब यहां 2y स्क्वायर में बेटा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वैसे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इस वजह से dy ओवर gx। ठीक है, 2y स्क्वायर में 2 कांस्टेंट है हमारा, बाहर आ जाएगा, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, बिल्कुल उसी तरीके से y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना कर दोगे 2y, और क्योंकि y का है इस वजह से मल्टीप्लाई किससे करा हुआ है, dy ओवर gx है, माइनस 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 कांस्टेंट है और 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही। समझ रहे हो ना, ये 2y स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 ये कांस्टेंट वाला है, ये वाला जो 2 है ना ये कांस्टेंट वाला है, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y कर dy, और क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy ओवर dx आ रहा है। ठीक है, नाउ अब ये डिफरेंशिएट तो हो चुका, बस मुझे dy ओवर dx को सेपरेट करना है। तो बेटा 2x ये रहा, माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x dy ओवर dx, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y प्लस 2 2 4y dy ओवर dx माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां हमने क्या करा है, सबसे पहले तो बेटा इस 3 का मल्टीप्लाई करा है, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x dy ओवर dx, और इस 3 का y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3y। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 4y
dy ओवर dx और ये हो जाएगा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब बेटा जो dy ओवर dx वाले टर्म है वो कौन से, एक तो मेरे पास dy ओवर dx यहां पर है और एक dy ओवर dx मेरे पास यहां पर है। तो बेटा यहां दोनों से जब dy ओवर dx कॉमन लोगे तो जब यहां से dy ओवर dx कॉमन आएगा तो सिर्फ 4y बचेगा प्लस का, और बेटा dy ओवर dx जब यहां से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 3x बचेगा। ठीक है, जब dy ओवर dx यहां से कॉमन आया तो 4y बचा, जब यहां से कॉमन आया तो माइनस का 3x बचा, और बाकी टर्म इक्वल के उस साइड चले जाएंगे। तो बेटा माइनस 3y को जब उधर ले जाओगे तो प्लस 3y हो जाएगा, और 2x को जब उधर ले जाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली dy ओवर dx इज इक्वल टू 3y माइनस 2x, और ये जो बेटा 4y माइनस 3x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था dy ओवर dx के साथ, तो बेटा जब यहां आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4y माइनस 3x, डेट विल बी अवर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो ये हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अल्टीमेटली हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू जीरो, और यहां पर भी हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। तो बेटा डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और यहां x टू द पावर 4 जो है, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। ठीक है, और यहां पर ये जो मेरा x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये मेरा x स्क्वायर वाई स्क्वायर है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन यहां करके दिखा रहा हूं, और इसमें कौन सा रूल लग रहा है, चेन रूल। ठीक है, तो बेटा x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, वाई स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाहर आ गया क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका करोगे यहां पर, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर तो बाहर है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो बेटा जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वैसे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y। अब क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है तो मल्टीप्लाई बाई dy ओवर dx। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, x स्क्वायर जो है हमारा वो बाहर आ गया, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है वैसे ही y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, लेकिन x के रेस्पेक्ट में, इस वजह से मल्टीप्लाई बाई dy ओवर dx, और यहां पर y स्क्वायर बाहर आ गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये बेटा एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आई है इसे उठा करके यहां पर पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरा कितना आया, ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर वाई, इसको लिख सकता हूं ना 2x स्क्वायर वाई dy ओवर dx प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, 2x स्क्वायर वाई dy ओवर dx प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y टू द पावर 4 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब, तो y टू द पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यूब। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई dy ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, उसी तरीके से y टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4y क्यूब। ठीक है, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो dy ओवर dx। नाउ हम dy ओवर dx हमारा यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, बेटा कॉमन जब लोगे तो dy ओवर dx यहां हो जाएगा कॉमन, जब यहां से कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर वाई,
और बेटा जब यहां से कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 4y³, ठीक है। जब dy ओवर dx यहां से कॉमन आएगा तो 2x²y बचा, वो ये लिखा हुआ है, और जब यहां से कॉमन आएगा तो 4y³ बचा हुआ यहां लिखा हुआ है। बाकी टर्म उधर ले जाओगे तो 4x³ जब उधर जाएगा तो माइनस का 4x³, और 2xy² जब उधर जाएगा तो -2xy², ठीक है। 4x³ जब यहां आया तो -4x³ हो गया, और 2xy² जब आएगा तो -2xy² हो जाएगा, ठीक है। अब अल्टीमेटली जो भी मेरी dy ओवर dx की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 4x³ माइनस 2xy² डिवाइडेड बाई 2x²y प्लस 4y³, दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी के टाइप का और इसी के जैसा। उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उसमें हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, दैट इज x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल्स टू 1, ठीक है। x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा यहां पर जो कांस्टेंट है हमारा वो क्या है, यहां पर 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। बेटा यहां पर जो कांस्टेंट है वो 1/16 है, बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, वाई स्क्वायर का, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नाउ 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, प्लस 1/16 इंटू, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x वैसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन x के रेस्पेक्ट में, तो इंटू dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब बेटा यहां ये प्योरली कांस्टेंट, मतलब प्योरली ऐसा टर्म है जिसके पास dy ओवर dx नहीं है, इसको जब इक्वल के उस साइड ले जाओगे तो देखो पहले तो ये सॉल्व कर लो, 2 8 16, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं y/8 dy ओवर dx, और बेटा ये पूरा टर्म जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2x/9, ठीक है। एक बार ये वाली लाइन दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहां से आपने कैंसिल आउट करा तो 2 8 16, ये बचा y/8 इंटू dy ओवर dx, और ये 2x/9 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x/9 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से dy ओवर dx इज इक्वल्स टू -2x/9 मल्टीप्लाई बाई y/8 जब उधर जाएगा तो 8/y बन जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा मेरा 8 2 16 माइनस का 16x और अपॉन 9y, ये हो जाएगा मेरा dy ओवर dx का आंसर, ठीक है। अब आसान लग रहे होंगे, और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, (3x²+3y²+4x-3y)+12=0, ठीक है। 3x²+3y²+4x-3y+12=0। और बेटा यहां पर भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो बेटा जहां जहां एक्स वाले टर्म में वहां वहां तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां वाई आ रहा है वहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, ठीक है। तो बेटा 3x² का जब करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ठीक है, प्लस यहां 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y² का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, ठीक है। जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x वैसे ही y² का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, dy ओवर dx प्लस 4x में बेटा 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है, माइनस
थ्री वाई में थ्री बाहर आ गया और वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डीवाई ओवर डीएक्स प्लस 12 कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं, यहां थ्री कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, यहां थ्री कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इस वजह से dy ओवर dx। ठीक है, प्लस 4x में प्लस 4 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, माइनस 3y में माइनस 3 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx और 12 कॉन्स्टेंट है इस वजह से 0। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 3 2 का कितना हो गया 6x, ये कितना हो गया 3 2 का 6y dy ओवर dx। ठीक है, प्लस 4 माइनस 3 dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब बेटा एक तो यहां dy ओवर dx आ रहा है और एक यहां dy ओवर dx आ रहा है, तो बेटा जब इस पूरी इक्वेशन में से dy ओवर dx कॉमन लोगे तो यहां जो बचेगा वो बचेगा प्लस 6y और यहां जो बचेगा वो बचेगा माइनस 3। ठीक है, यहां बचा प्लस 6y और यहां बचा माइनस 3, और ये देखो जरा ये 6x जब 0 के इधर जाएगा तो बेटा माइनस 6x हो जाएगा और ये 4 जब 0 के इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली dy ओवर gx इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 3, क्योंकि बेटा ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 6x माइनस 4 डिवाइड बाई 6y माइनस 3, दैट विल बी अवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करा दूं, चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी पे, चलो ये करते हैं, इसमें कंफ्यूजन आ सकती है आप लोगों को तो ये मैं करवाता हूं सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमें एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन को करने से पहले दो बातें याद रखनी है, एक तो हमें चाहिए क्या dy ओवर dx चाहिए, दूसरी बात x और y के अलावा जो भी कुछ आ रहा है चाहे वो a हो b हो h हो g हो f हो सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय x और y को छोड़ करके, तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लाना है कि इसमें तो इतने सारे वेरिएबल हो गए, वो सब वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं लेकिन है नहीं, वेरिएबल तो बेटा हमारे सिर्फ x और y है। ठीक है, x y के अलावा जो भी कुछ है वो सब हमें ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो जब बेटा ax और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, आपको पता है डिफरेंशिएट हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब बेटा यहां ax स्क्वायर में a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, यहां पर बेटा 2h कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा xy का। ठीक है, 2hxy में 2h कांस्टेंट है, मैंने बताया xy के अलावा जो भी कुछ है बेटा सब कांस्टेंट है, तो 2h कांस्टेंट है बाहर आ गया, xy का डिफरेंशिएशन कर दोगे, by स्क्वायर में b कांस्टेंट है बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन करोगे y स्क्वायर का। ठीक है, 2gx में 2g कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करोगे x का, ठीक है क्योंकि इसमें xy के अलावा और भी वेरिएबल है इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, यहां 2g कांस्टेंट था, ठीक है ये वाला बता, हाँ ठीक है, यहां by स्क्वायर था तो बेटा b कांस्टेंट था बाहर आ गया y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहां हमारा 2g कांस्टेंट था तो 2g बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट में हमारा 2f कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन होगा y का, प्लस ये तो c पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आप जानते हो लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन होगा यहां पर c का। ठीक है, क्लियर है, a बाहर आ गया x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2h बाहर आ गया xy का डिफरेंशिएशन, b बाहर आ गया y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2g बाहर आएगा x का डिफरेंशिएशन,
टू एफ बाहर आएगा वाई का डिफरेंशिएशन और सी का डिफरेंशिएशन अलग। नाउ सारे कॉन्स्टेंट मैंने अलग करके दिखा दिए, अब मैं करता हूं बेटा ए तो हमारा बाहर आई और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है, प्लस 2h बाहर है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 10 बार मैं करके दिखा चुका हूं तो ये अब नहीं कर रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला है जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाया हुआ है, ये मैंने करा हुआ था ना एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कि एक्स बाहर आ जाएगा इसका हो जाएगा dy ओवर dx, y बाहर आ जाएगा x का वन, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x dy ओवर dx प्लस y, तो ये वैल्यू हम लगा दे रहे हैं x dy ओवर dx प्लस y, ठीक है, तो ये वैल्यू मैं लगा दे रहा हूं दैट इज x dy ओवर dx, क्योंकि देखो यही क्लैरिटी दे रहा हूं भाई x बाहर आएगा है ना, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा dy ओवर dx प्लस y बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है बेटा, यहां पर b कांस्टेंट था बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी आप लोगों ने 2x करा हुआ है बेटा, ऐसे ही जब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y आना चाहिए, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करना है इस वजह से dy ओवर dx, ठीक है, चलो समझ गए, वाई स्क्वायर का 2y और dy ओवर dx प्लस 2g कांस्टेंट है बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है, प्लस 2f कांस्टेंट है बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx ही होता है, ठीक है, और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, तो बेटा कितना बचा इक्वल टू 0, ठीक है, c तो कांस्टेंट था तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, ये आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो 2a * 2x को क्या लिख सकता हूं मैं 2ax, ठीक है, प्लस इस 2h को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2hx dy ओवर इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, चलो तो बेटा 2h को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2hx और dy ओवर dx प्लस 2h को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2hy, ठीक है, एक बार दोबारा देखो a इंटू 2x करो तो 2x बन गया, 2h के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2hx और dy ओवर dx और 2h का y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2hy, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस ये तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है 2by dy ओवर dx एज इट इज रखेंगे, ये भी एज इट इज रखेंगे प्लस 2g और बेटा ये भी एज इट इज रखेंगे प्लस 2f dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, जहां जहां dy ओवर dx है उसको हमें कॉमन लेना है, तो एक तो यहां dy ओवर dx है, एक यहां dy ओवर dx है और एक बेटा यहां dy ओवर dx है, ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में से dy ओवर dx को कॉमन निकालूंगा, dy ओवर dx को कॉमन निकालूंगा तो बेटा यहां बचेगा मेरे पास 2hx, ठीक है, यहां बचेगा मेरे पास 2by और बेटा यहां बचेगा मेरे पास 2f, ठीक है, इन तीनों टर्म में dy ओवर dx था, जब मैंने उसको कॉमन निकाला तो बेटा यहां बचा 2hx, यहां पर बचा, यहां तो हो गया 2hx बाहर, यहां से dy ओवर dx बाहर आएगा तो 2by और बेटा यहां से जब बाहर आएगा तो 2f, ठीक है, बाकी सारे टर्म इक्वल के उस साइड और साइन बदल जाएंगे, तो बेटा 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, ठीक है, 2hy जब उधर जाएगा तो माइनस का 2hy बन जाएगा, ठीक है, और 2g जब उधर जाएगा तो माइनस 2g बन जाएगा, भाई ऊपर वाली लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म थे और नीचे भी हमारे पास 3 तो ये हो गए 3, 6 टर्म है, ठीक है। नाउ अब यहां dy ओवर dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा जब ये पूरा ये जो टर्म लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के साथ ये पूरा 2hx plus 2by plus 2f जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2hy और माइनस का 2g डिवाइडेड बाई 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ठीक है, 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ठीक है। अब dy ओवर dx इक्वल टू बेटा ऊपर तीनों टर्म में माइनस 2 है तो क्या मैं माइनस 2 को कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा ax प्लस hy प्लस g, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई बेटा नीचे भी सारे टर्म में क्या है 2 है तो बेटा जब 2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा hx प्लस
बी वाई प्लस एफ, ठीक है। ऊपर वाले टर्म में बेटा माइनस टू कॉमन लिया तो बचा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, और नीचे से प्लस टू कॉमन लिया तो बचा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है बेटा। टू से टू हो गया कैंसिल, ठीक है। और फाइनली मेरे पास जो डीवाई ओवर डी एक्स है उसका आंसर देखो फाइनली कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी होल डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। तो बेटा ये जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर, ठीक है। समझे इस बात को, चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इसको हम एंड करेंगे यहां पर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन पावर वाला करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन में पावर वाला यहां पर करवा रहा हूं, चलो देखो। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर 3/2, ठीक है। एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस वाई टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू बेटा ए की पावर 3/2, ठीक है। तो यहां में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, एक्स की पावर 3/2 है, वाई की पावर भी 3/2 है और बेटा ए की पावर भी 3/2 है, ठीक है। क्लैरिटी क्या रखनी है मुझे बेटा, यहां पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहां कुछ किसी की भी वैल्यू हमें चाहिए तो वो dy ओवर dx है, और बेटा डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब ये जो x टू द पावर 3/2 है ये कौन से फॉर्मूले से होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ना x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n x टू द पावर n माइनस 1, ये पढ़ाया था कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। बेटा जब मैं इसी रूल से x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो n तो 3/2 है बाहर आ गया, है ना, और x की पावर कितनी n माइनस 1, मतलब 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर मेरा कितना हो गया, 3/2 तो बाहर है और यहां पर बेटा एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2 बन जाएगा, है ना, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, समझ रहे हो ना। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, है ना, 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1 बचा, तो कितना बचेगा 1/2। भाई 3/2 में से 1 गया तो कितना बचा 2, एलसीएम हो गया 1/2 बचा, ठीक है। तो बेटा इसको मैं और अच्छे से क्या लिख सकता हूं, 3/2 और x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, है ना, x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स होता है, तो वो मैंने 3/2 बाहर रखा हुआ है और x की पावर जो 1/2 थी उसको क्या लिख दिया है रूट एक्स, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि हमारा ये जो x की पावर 3/2 है उसका डिफरेंशिएशन होगा 3/2 रूट एक्स। चलो अब करते हैं, तो बेटा x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन तो मैंने अभी अभी करा है, क्या हो जाएगा 3/2 रूट एक्स, ठीक है। x की पावर 3/2 का क्या हो गया 3/2 इंटू रूट एक्स, अभी अभी हम लोगों ने देखो यहां करा हुआ है ना, क्या हो जाएगा 3/2 और रूट एक्स। तो बेटा इसका हो गया मेरा 3/2 बाहर आ गया और रूट एक्स ये हो गया, ठीक है। अब x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन अगर 3/2 बाहर और रूट एक्स होता है तो फिर y की पावर 3/2 का भी क्या यही होगा कि 3/2 बाहर आ जाएगा और यहां रूट एक्स था तो यहां क्या आएगा रूट वाई, लेकिन क्योंकि y के x के रेस्पेक्ट में तो मल्टीप्लाई बाई dy ओवर dx, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। हमने भाई x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन देखा तो बेटा वो आ रहा है 3/2 रूट एक्स, सेम प्रिंसिपल से y की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा 3/2 रूट वाई, ठीक है, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो मल्टीप्लाई बाई dy ओवर dx। और बेटा a की पावर 3/2 तो मैंने आपको बताया कि x y के अलावा जो भी कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई के अलावा जो भी कुछ आ रहा है वो सब कांस्टेंट है, तो यहां ए आ रहा है, ए भी क्या होगा कांस्टेंट। तो बेटा ये पूरा ए की पावर 3/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो बेटा ए की पावर 3/2 से कंफ्यूज मत होना, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है जीरो, ठीक है। चलो अब तो बहुत आसान हो गया भाई, 3/2 रूट वाई डी वाई ओवर डी एक्स तो ये मिल रहा है मुझे, है ना, और बेटा ये वाला जो टर्म है 3/2 रूट एक्स, इसको जब इक्वल के उस साइड ले जाओगे तो माइनस का 3/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो 3/2 से 3/2 हो गया कैंसिल और dy ओवर dx का आंसर आ जाएगा
रूट एक्स माइनस का रूट एक्स, ठीक है, और रूट वाई यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहां पर रूट वाई हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बाहर है और अंडर रूट के अंदर है मेरा एक्स अपॉन वाई। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमने यहां पर ये इंप्लिसिट फंक्शन खत्म करा। अब मेरा लास्ट टाइप का डिफरेंशिएशन रह गया है, दैट इज नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हो। तो उसका हम डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।